फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये सीधा डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको सारे डिटेल फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी जीरोक्स करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। जून में है डेट, तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और ये जो है बीएससी जेएनएम वालों के लिए है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट किया है उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन, सारी वैकेंसी, सारी न्यूज़ ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट के कहीं से भी आपको मिल सके। अगर आपको CHO की वैकेंसी चाहिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसी चाहिए, रेलवे नर्स की वैकेंसी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ट्यूटरशिप की जो वैकेंसी ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट से आपको अगर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी चाहिए, तो सारी वैकेंसी का डिटेल इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, टाइम रहते घर बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ में जो बेल आइकन रहता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज चलते हैं इस वैकेंसी के साथ, जो कि बहुत अच्छी है और वॉक इन इंटरव्यू है। तो एक ही दिन का टाइम, मतलब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप इसको, आपको अप्लाई भी नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू ही है, तो एक दिन इंटरव्यू में जाना है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की एजेंसी है, यहाँ से निकल कर आई हुई है वेस्ट बंगाल से। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पोस्ट है और इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाइएगा, ये जो रिक्रूटमेंट वाला एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जाइएगा, फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरे डिटेल बता रही हूँ आपको कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो यहाँ पर देखिए, फिर इधर आप डेट देख रहे हैं कि लास्ट स्टार्टिंग डेट और इन डेट कौन कौन सा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू वाले में, जिसमें नर्स का पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट वॉलंटियर, मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन, नर्सिंग पर्सनल। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा वो PDF जो है डाउनलोड हो गया। मैं इसमें आप लोग के लिए दो गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो पहली गुड न्यूज़ ये है हमारी, ठीक है, ये जो PDF है ये फर्स्ट गुड न्यूज़ है, सेकंड गुड न्यूज़ दूसरे PDF पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी वॉक इन इंटरव्यू है, और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ईमेल आईडी दिए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 27 मई को रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंगेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहेगा आपका जो है। फिर यहाँ पे देखिए कि जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्टाफ नर्स, तीन पोस्ट हैं, मतलब तीन पोस्ट का है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का है और स्टाफ नर्स का है। तो हम लोग स्टाफ नर्स का देखते हैं। अगर आप लोग को मेडिकल फील्ड का भी देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोग नर्सिंग का देखते हैं। और यहाँ पर देखिए फिक्स्ड रिम्यूनरेशन, जो सैलरी है आपका 17,220 रहेंगे पर मंथ। ठीक है, वैकेंसी, और यहाँ पर जो है 11 पोस्ट है। ठीक है, तो एज लिमिटेशन इसमें देखिए कि 40 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले, और अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले ID, पासवर्ड, आधार कार्ड, ये सारा चीज़ आपको रखना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 जून को है, ठीक है, थर्सडे को 10 AM से, ठीक है, 10 बजे से आपका इंटरव्यू जो है थर्सडे को 3 जून को स्टार्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका एड्रेस, यहाँ जाना है आपको। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और वहाँ से ये PDF पूरा डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट एसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वैकेंसी रिम्यूनरेशन, तो यहाँ पर वही जो हमने पहले देखा था वही है। ठीक है, तो MBBS का है, MD का है। फिर यहाँ पे देखिए GNM और BSc नर्सिंग दोनों के लिए है, पोस्ट जो है 11 है, सैलरी जो है 17,220 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं वॉक इन इंटरव्यू में आपको कैसे जाना है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस PDF से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको पेन पेंसिल
ठीक है, जैसे भी आपको फिलअप करना है, इसको फोटो लगाना है और सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करना है जीरोक्स करके। फिर आपको जब इंटरव्यू में आप 3 तारीख को जाएंगे, थर्सडे को, जिस एड्रेस पे इंटरव्यू है वहाँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को पकड़ के जाना है, इसी के थ्रू आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो ये रहा वो फॉर्म, आपको पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर फिलअप करके ले जाना है पूरे डिटेल। तो फ्रेंड्स, ये रही पहली गुड न्यूज़। सेकंड गुड न्यूज़ हम लोग देखेंगे, तो ये आप लोग को आई होप कि समझ आया होगा कैसे फिलअप करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पे, मैं उसका भी हेल्प करूँगी, सॉल्यूशन निकालूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट गुड न्यूज़, अब देखते हैं सेकंड गुड न्यूज़। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड गुड न्यूज़ है, आप मेरे जो सेकंड वीडियो रहेंगे उसमें देख पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे गुड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।